नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे पोहे से एक मजेदार नाश्ता। तो वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। तो ये बारीक पोहा है, हमारे घर का पोहा है, मतलब घर पे कुटाया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसे वॉश करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस पोहे को मैं 5 मिनट के लिए रख दे रही हूँ ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, ये जो पोहा है हमारा, इसे अपने हाथों से इस तरह से मसल लेना है। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आटे की तरह इसे गूंथ ले रही हूँ मैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, पोहा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े आलू। तो इसे मैंने फोड़ लिया था। मैंने यहाँ पे 1 कप सिंगदाना लिया जिसे भून कर, और मैंने इसको कूट लिया था तो इसके बड़े बड़े टुकड़े मैंने बना लिए थे। तो भून के इसको भी मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैं इसमें सूजी डाल दे रही हूँ। आपके पास सूजी ना हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा लगता है जब कुरकुरा एकदम बन जाता है। 1 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने 1 चम्मच डाला है, जब कम लगेगा तो हम और डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ, इसे भी डाल देना है। और यहीं पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया, इसे भी डाल देना है। और यहीं पे मैंने ढेर सारा धनिया ले लिया है, इसे डाल देना है। और यहीं पे मैं हरी मिर्च डाल दूंगी कटी हुई। और यहीं पे मैं डाल दूंगी भुना हुआ जीरा, तो 1 चुटकी मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। बस मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अपना ये नमक शमक डाल देना है स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इसे अच्छे से गूंथ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से गूंथ लेना है, हमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना पानी लेना है कि ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए ताकि इधर उधर ये गिरे ना। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने इस तरह से गूंथ लिया है। देखिए हथेलियों पे इकट्ठा होने लगा, तो ऐसे ही हमें बनाना था। फ्रेंड्स, अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके इस तरह से इसे उठाना है और इस तरह से इसे शेप देना है। आप अपने मन के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ा चपटा कर ले रही हूँ। तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, थोड़ा कटलेट टाइप में बना दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे गोल गोल, आप अपने मन चाहे आकार में इसे बनाए, बहुत अच्छा लगता है जैसे भी बनाए। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे कटलेट बना लिए हैं और यहाँ भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे हमारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, हमने इतना चपटा रखा है इसे, तो इसी तरह से चपटा चपटा बनाना है, नहीं तो ज्यादा मोटा रहेगा नहीं ऑब्वियसली। और हमने इतना इधर भी बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच तेल डाले हैं। तो इसे अच्छे से फैला ले रही हूँ। मैं कटलेट है जो भी हमारे ये नाश्ता है, इसे एक एक इसमें रख दे रही हूँ फ्राई होने के लिए। इसे मध्यम आंच पे यानी कि लो फ्लेम पे इसे पकाना है, तो मीडियम ही रखना है। और इसे सेकना अच्छे से, तेल को मैं और फैला दे रही हूँ इस तरह से। तो ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे अभी छूना नहीं है, थोड़ा सिक जाने देना है ताकि साइड से क्रंची हो जाए। तो इसे आप तुरंत न 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से धीमी आंच पे सेकने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है अभी कितने कम तेल में। ये साइड साइड का मैं इसे पलटी मार ले रही हूँ। देखिए लाल हो गया, कितना सुंदर सा कलर आया है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है। तो मैं इसे पलट ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट दिया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। सुबह सुबह चाय के साथ सर्व करिए दिन भर आपका, और बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें।
मन करेगा ये रेसिपी आप एक बार जरूर जरूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी सेक लिया है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारे हो गए हैं, तो ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। हमारा नाश्ता है बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे मैं हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी, तो मजा आ जाएगा एकदम खाके। ये देखिए नाश्ता हमारा एकदम सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस एकदम रेडी है।